हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल न्यू एंड्रॉयड अपडेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि यदि आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट नंबर को गलती से या जानबूझकर कभी डिलीट कर दिए और बाद में उस नंबर को आप ढूंढ रहे हैं तो उस नंबर को कैसे निकालेंगे। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक नंबर को डिलीट करूँगा और डिलीट करने के बाद में यह नंबर देखिएगा आपको कहाँ मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर है प्रिया नाम का। इस प्रिया नाम के नंबर को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिलीट करने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है और मैं यहाँ से इस नंबर को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर प्रिया नाम का नंबर हमेशा के लिए डिलीट हो गया या आप अपने फ़ोन से कभी डिलीट कर दिए और अब आप इसको ढूंढ रहे हैं अपने फ़ोन में तो यह नंबर कहाँ मिलेगा, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपके फ़ोन में कितने भी नंबर डिलीट हो जाए और आप कितने दिन के बाद भी यदि ढूंढेंगे तो यह नंबर फ़ोन में ही होता है, लेकिन कहाँ से निकाला जाता है यह आज बताऊंगा। तो फ्रेंड, यदि आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज के इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपका फुल प्रोसेस। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ घंटी का बटन है, घंटी के बटन पर दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यहाँ पर एक कॉमेंट बॉक्स है, इस कॉमेंट बॉक्स में जाकर आपको एक कॉमेंट करना है। कॉमेंट में आपको यह लिखना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, उस प्रकार का कमेंट आप हमें कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कमेंट को देखता हूं, लाइक करता हूं, हार्ट देता हूं, तो इतना सा काम आप हमारा प्लीज कीजिएगा दोस्तों। तो आइए फ्रेंड, इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर इस नंबर को हम कहां से निकालेंगे, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नंबर निकालने के बाद में जो लास्ट वाला तरीका बताऊंगा वह लास्ट वाले तरीकों को यदि फॉलो करेंगे तो ही आप नंबर को निकाल पाएंगे, नहीं तो आप वीडियो देखकर यदि सोचेंगे कि अभी स्किप कर चले जाए तो यह नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वीडियो को लास्ट का जो पॉइंट बताऊंगा वह लास्ट के पॉइंट को सुनकर जाइएगा तो ही नंबर मिलेगा। तो मान लीजिए दोस्तों, मैंने यहां से प्रिया नाम का एक नंबर को डिलीट कर दिया, अब मुझे अपने ही फोन में वह नंबर चाहिए तो क्या करेंगे। देखिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, यह नंबर कहां मिलेगा। तो फ्रेंड, उसके लिए यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो आपको एक मैसेंजर एप्लीकेशन भी होता है, अगर इसको आप यूज करते हैं तो अच्छी बात है। यदि आप मैसेंजर को यूज नहीं करते हैं तो मैसेंजर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, ठीक है। मैसेंजर का क्या काम है, अब आप सोचेंगे कि मैसेंजर से का क्या काम है। दोस्तों, मैसेंजर को पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैसेंजर से आप किसी भी डिलीट नंबर को निकाल सकते हैं। तो मैसेंजर एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल कर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से ओपन करेंगे तो आपके सामने मैसेंजर एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। आपका जो भी लोगो होगा यहां पर दिखेगा, बस अपने लोगो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लोगो पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की ओर इस तरीके से बढ़िएगा तो आपको यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फोन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, आपके फोन में भी मिलेगा। इस फोन कॉन्टैक्ट पर एक बार टाइप कर दीजिएगा। जब एक बार इस फोन कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज कॉन्टैक्ट्स, इस मैनेज कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। जब यहां पर मैनेज कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपके सामने यहां पर आपके फोन के सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यह नंबर सेव नहीं है जिसके कारण नाम नहीं बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़िएगा तो देखिएगा यहां पर दोस्तों कि यहां पर नाम भी शो होगा। देखिए, अब यहां पर नाम स्टार्ट हो गया, उतने नंबर मेरे नाम नहीं शो थे इसीलिए नाम नहीं दिखा रहा था। आपको यहाँ पर नाम के साथ साथ नंबर भी मिलेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट पॉइंट सीखकर जाइएगा कि नंबर को कैसे लेना है। यहाँ से ना तो आप नंबर कॉपी कर सकते हैं ना ही नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्टार स्टार लिख रहा है, तो नंबर को कैसे देखना है यह जरूर सीखिएगा। तो मैंने प्रिया नाम का नंबर को डिलीट कर दिया था, तो अब मैं पी में चला जाता हूँ। देखिए, मैं अपने पी में जाता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं अपने पी वाले अक्षर पे आ गया हूँ। थोड़ा सा धीरे धीरे के ऊपर बढ़िएगा तो क्या देखेंगे कि देखिए वहां से मैंने प्रिया नाम का जो नंबर था डिलीट कर दिया है, लेकिन प्रिया नाम का जो नंबर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
तो आप यदि सोचेंगे कि इस नंबर को कॉपी कर लें तो दोस्तों इस नंबर को आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्रिया नाम के आगे जो नंबर लिखा है यहाँ एरो है इसके ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा। नंबर को आप देख लीजिए लास्ट में 38 है, मैं नंबर को ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो नंबर को आप देख लीजिए 38 है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि फुल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया, लास्ट का 38 भी दिखाई दे रहा है। इस नंबर को आप पेन से चाहे मोबाइल पे कहीं से कॉपी कर लें और अपने कॉन्टैक्ट में जाकर सेव कर ले। तो इस तरीके से आप अपने फोन के डिलीट नंबर को इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपका कॉन्टैक्ट कितने भी नंबर डिलीट हो गए हैं तो मैसेंजर में सारे नंबर सेव रहते हैं। और जो लास्ट का तरीका बता रहा था वह लास्ट का तरीका यही था कि नंबर कॉपी नहीं होगा, नंबर को आप पेन से लिख कर आप उसे अपने फोन में यूज कर सकते हैं। तो यही तरीका है, अगर आपके फोन के कॉन्टैक्ट से नंबर डिलीट हो गए हैं तो मैसेंजर द्वारा आप उस नंबर को निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।